नमस्कार, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। आज हम बनाएंगे वेज नूडल। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल बाजार जैसे। चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने पानी को एक बर्तन में चढ़ा दिया था, पानी हमारा उबल गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट और थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल, और जो नूडल है वो हम इसमें डालेंगे। मैंने स्पैगेटी वाला लिया है, आप कोई भी नूडल इसमें यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। तो नूडल बनाने के लिए इधर मैंने थोड़ा सामान को रेडी किया है। मैंने जो बंदा गोभी है उसको इस तरह काटा है, और गाजर को लंबे लंबे बारीक सा काटा है, और हाफ मैंने ऑनियन को काटा है, थोड़ा शिमला मिर्च को इस तरह काटा है, और थोड़ा गार्लिक चॉप किया हुआ है। तो अभी हमारा नूडल उबल जाएगा, फिर इसको बना लेंगे। ये देखिए नूडल जो है ना बिल्कुल पक गया है। ये 10 मिनट लग गए इसको उबालने में। कोई कोई है वो दूसरा वाला है वो जल्दी पक जाता है, ये पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल पक गया, अभी मैं इसको छान लेती हूँ। इसको इधर डाल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे पानी। ठंडा पानी आप डालें तो नूडल जो है चिपकता नहीं है, ये ऐसे खिला खिला सा रहता है। जी हम इसके ऊपर रख देंगे और जो पानी है इसी में निकल जाएगा। एक लिया है फ्राई पैन, अभी उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे जो कटा हुआ था बारीक सा, और जो गार्लिक काट के रखा था वो। गार्लिक थोड़ा सा हमारा हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे ऑनियन। ऑनियन को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा बारीक ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम डालेंगे सारे हम सब्जियां जो काट के रखे थे सब हम इसमें डाल देंगे। दो से तीन मिनट इसको हम भून लेंगे। सब्जी जो है बिल्कुल हाफ कुक हो गई है। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें जो अजीनामोटो होता है वो, चाइनीज सॉल्ट, और डालेंगे इसमें सॉल्ट। सॉल्ट हमने नूडल में भी डाला है, तो आप जितना थोड़ा सा अपने हिसाब से डालें। और ये व्हाइट पेपर थोड़ा सा ये डालेंगे, और जो हमने नूडल उबाल के रखे थे ये हम ऊपर से डाल देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली, सोया सॉस, टमाटो केचप, सब तो मैंने अभी मिक्स किया है, इसलिए मैंने डाल देती हूँ। इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह। ये देखिए नूडल जो है ना सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये बनाना बहुत ही ईजी है, ये टाइम भी नहीं लगता। और तो आप भी इस तरह बनाएं तो मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो ग्रीन चिल्ली काट के भी डाल सकते हैं, और ये वाला चिल्ली भी आप यूज कर सकते हैं। और चिल्ली अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ये वाला चिल्ली यूज ना करें, ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो आप नॉर्मल बनाना है तो अपनी मर्जी, और स्पाइसी खाना है तो चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। अभी इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया खूब सारा, तो इसको सर्व करेंगे।